नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज राज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। गाजीपुर के विकास भवन पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में शिक्षक कर्मचारी भी शामिल रहे। कर्मचारियों में मुख्य मांग पुरानी पेंशन की बहाली थी, साथ ही कई तरह के भत्ते को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया। जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे ने बताया कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पिछले कई सालों से चल रही है, ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। गाजीपुर से एएस न्यूज के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट। कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ये हम प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें विवश होकर के मजबूर होकर के पुनः आंदोलन के रास्ते पे जाना पड़ रहा है। क्या है मुख्य मांगे आप लोग? मुख्य मांगे हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है। परमोशन में जो वेरी गुड की बात है इन्होंने कह दी, वो हमारी बातें हैं। कैसे चिकित्सा व्यवस्था, मोटरसाइकिल भत्ता हम देने की बात कर रहे हैं, ये हमारी तमाम मांगे हैं जिन भी हमारा प्रदेश व्यापी पूरे प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय पे आंदोलन हमारा चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात करें तो 6 तरह के भत्ते राज्य सरकार ने भी कम कर दिए हैं जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सरकार का कदम बिल्कुल निंदनीय है। जहां हम केंद्र के समान भत्ते की मांग कर रहे हैं, वहां पूर्व से मिल रहे हमारे भत्तों को सरकार बंद कर रही है और अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी करती चली जा रही है, ये निंदनीय कार्य है और लगातार वादा खिलाफ है।